भारत में कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या लगभग 4.5% बताई गई है। इनमें पहले और दूसरी बार हुए संक्रमण में वायरस के जीनोम का अध्ययन नहीं किया गया है। पुनः संक्रमण की यह दर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों में बताई गई 1% रीइन्फेक्शन की दर से कहीं ज्यादा है। इस तरह संभव है कि कोविड-19 का दोबारा संक्रमण वायरस के अलग वेरिएंट्स की वजह से हो। अब तक वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो चुका है कि यह वायरस लगातार अपना जीनोम बदल रहा है। भारत में भी हाल में कोरोना वायरस के कई वेरिएंट्स सामने आए हैं। इस बीच कोविड-19 वैक्सीन लगवाए जाने के बाद भी कई लोगों में दोबारा संक्रमण की बात सामने आई है। शुरू में कहा गया है कि वैक्सीन की 2 डोज उन्होंने नहीं ली, जिसकी वजह से उनमें इस वायरस से बचाव के लिए प्रभावी तरीके से इम्यूनिटी विकसित नहीं हो पाई। लेकिन बाद में कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी संक्रमण हुआ है।